गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज़ एंड फ्रक्टोज़। अर्थात ग्लूकोज़ को हम फ्रक्टोज में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं और अगेन फ्रक्टोज़ को वापस ग्लूकोज में किस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकता है इस कन्वर्जन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस यूज़ होती हैं ये कई दफ़ा एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है देखिए जब हम बात करें ग्लूकोज़ से फ़्रक्टोज़ में कन्वर्जन की तो हम ये देख सकते हैं कि ग्लूकोज़ को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज़ की रिएक्शन करवाई जाती है थ्री मोल्स ऑफ फेनिल हाइड्रेजीन के साथ जिससे ग्लूकोज़ के ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है इस ओसाजोन का फॉर्मेशन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं इस ओसाजोन के फॉर्मेशन के बाद में इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट एच के साथ बॉईल किया जाता है बॉईल करने से ग्लूकोसोन का फॉर्मेशन होता है इस ग्लूकोसोन को अगेन जब हम रिड्यूस करते हैं तो जिंक प्लस एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शन करने पर फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है वेरी इजी देखिए क्या किया अपन ने ग्लूकोज़ को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज से ग्लूकोसोजोन बनाया ग्लूकोसोजोन को डाइल्यूट एच के साथ बॉईल किया देन उसका रिडक्शन किया थ्री स्टेप्स में ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है अब अपन डिस्कस करते हैं फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की देखिए फ्रक्टोज में दो नंबर कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप यानी की कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिडक्शन करते हैं रिडक्शन करने से कीटोनिक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे एक कार्बन एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक में सॉरी सिमेट्रिकल से एसीमेट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो दो तरह के आइसोमर इसके पॉसिबल होते हैं एक आइसोमर में कार्बन के राइट हैंड साइड में ओ OH ग्रुप होता है दूसरे में कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में ओ OH ग्रुप होता है तो दो तरह के एल्कोहल या दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं एक है मैनिटोल एंड सेकेंड इज सारी ये याद रखने वाली बात है याद रखना सारबिटोल में राइट हैंड साइड में ओ एच ग्रुप होता है एंड मैनीटोल में लेफ्ट हैंड साइड में ओ एच ग्रुप प्रजेंट होता है अब सारबिटोल और मैनीटोल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है क्योंकि मिक्सर में दोनों एल्कोहल प्रेजेंट हैं तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है इससे मैनोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है साथ ही ग्लूकोनिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है देखिए मैनीटोल के ऑक्सीडेशन से मैनोनिक एसिड का एंड सार्बिटोल के ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है अब अपन क्या करते हैं इस मिक्सचर को हीट करते हैं पिरीडीन की प्रेजेंस में या पिरीडीन के साथ जिससे जितनी भी क्वांटिटी में मेनोनिक एसिड बनता है वह भी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है मीन्स अब अपने पास मिक्सचर में केवल एक ग्लूकोनिक एसिड ही प्रेजेंट रह जाता है इसको हीट करते हैं हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन अटैच हो जाते हैं फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पे से एच और ओ OH एच का रिमूवल हो जाता है एंड एक साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन सॉरी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है ग्लूकनोलैक्टोन इसका जब अपन सोडियम अमलगम और एच की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो यह है ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है ये तो बात हो गई ग्लूकोज़ एंड फ्रक्टोज़ के इंटर कन्वर्जन की अब अगर अपन को ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज में से किसी में भी कार्बन चेन की लेंथनिंग करनी हो या कार्बन चेन की शॉर्टनिंग करनी हो तो अपन क्या करेंगे उसके लिए भी कुछ मेथड्स दिए गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोजेज मीन्स ग्लूकोज में सिक्स कार्बन से सेवन कार्बन कैसे बना सकते हैं फाइव कार्बन से सिक्स कार्बन कैसे बना सकते हैं मीन्स चेन की लेंथनिंग किस तरीके से की जा सकती है कौन कौन से मेथड्स कौन कौन सी रिएक्शंस इसके लिए यूज होती है फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्लिए नामक साइंटिस्ट ने ये एक मेथड दिया था इसलिए उसी के नाम से इसे किलिए सिंथेसिस कहा जाता है इसमें देखिए अपन सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन चैन एल्डो जेज़ की लेते हैं जो कि एल्डो पेंटोज है डी एरेबिनोज हमने लिया इसकी रिएक्शन जब एच सी एन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो फर्स्ट एल्डिहाइडिक कार्बन के ऊपर इसका एडिशन होता है और साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है <coughs> यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एक कार्बन सिमेट्रिकल से ए सिमेट्रिकल में करेल कार्बन में कन्वर्ट होता है तो दो तरह के आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है एक में कार्बन के राइट हैंड साइड में ओ एच ग्रुप होता है दूसरे आइसोमर में कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इन दोनों टाइप के साइनोहाइड्रिंस का जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो साइनाइड समूह जो सी एन ग्रुप होता है वो सी डबलो एच एल्कोहलिक ग्रुप में सॉरी एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है फिर इसका रिडक्शन किया जाता है एंड हीट किया जाता है तो एसिडिक ग्रुप का एल्डिहाइड ग्रुप में अगेन कन्वर्जन हो जाता है और इस तरीके से फाइव कार्बन चेन कंपाउंड सिक्स कार्बन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिससे हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज क्योंकि एक एसिमेट्रिक कार्बन भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है सेकंड मेथड है नाइट्रोमीथेन के द्वारा कार्बन चेन की लेंथनिंग की जा सकती है अगेन हम लेते हैं डी फाइव कार्बन एल्डोज इसकी रिएक्शन करवाई जाती है नाइट्रोमेथेन से नाइट्रोमेथेन के साथ में अडक्ट मिलता है अडक्ट में हम देखते हैं कि एक एसीमेट्रिक कार्बन प्रोड्यूस होता है तो दो तरह के आइसोमर हमें मिलेंगे इन दोनों तरह के आइसोमर का जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो दो तरह के कार्बन लेंथनिंग चेन हमें मिल जाएगी डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज के रूप में नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेन शॉर्टनिंग की एल्डोजेज में चेन की शॉर्टनिंग किस तरीके से की जा सकती है चेन की शॉर्टनिंग करने के लिए अगेन हमारे पास दो मेथड्स हैं फर्स्ट इज रफ मेथड एंड सेकंड इज वॉल्स डिग्रेडेशन मेथड रफ मेथड में हम फेंटेन रिएजेंट को यूज़ करते हैं फेंटेन रिएजेंट याद रखिएगा एच टू ओ टू हाइड्रोजन परोक्साइड प्लस फेरस सल्फेट का सोल्यूशन होता है हम लेते हैं डी ग्लूकोज जिसमें सिक्स कार्बन चेन होती है इसका ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो ग्लूकोज का एलडीहाइडिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फेंटेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिमूवल होकर डी एरेबिनोज के रूप में फाइव कार्बन चेन वाला कंपाउंड हमें मिल जाता है वोल्स डिग्रेडेशन मेथड की बात करें अपन इस मेथड में अमोन हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन एल्डोहेक्जोज यानी डी ग्लूकोज के साथ करवाई जाती है जिससे ओक्जीम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एल्डोहेक्जोस हमने लिया डी ग्लूकोज और एमीन की इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ओक्जीम का फॉर्मेशन होता है इसको जब हीट किया जाता है साथ ही इसका एसिटाइलेशन किया जाता है तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पे साइनाइड ग्रुप आ जाता है इसके हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोलिसिस करने से हमें सारे एसिटिक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट मिल जाते हैं फिर हाइड्रोजन साइनाइड का यहाँ पे रिमूवल हो जाता है और एल्डो पेंटोज का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स में या एल्डोजेज में चेन लेंथनिंग भी कर सकते हैं एंड चेन शॉर्टनिंग भी कर सकते हैं इन सभी चारों मेथड्स में से कोई भी मेथड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये ईयरवाइज़ uh, रिपीट होते रहते हैं कभी कोई सा मेथड पूछ लिया जाता है कभी कोई सा मेथड पूछ लिया जाता है थैंक यू